भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर हैं। ना तो वो गेंद से विकेट चटका पा रहे हैं और ना ही बल्ले से रन बनाने में भारतीय टीम की मदद कर पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम को तलाश है हार्दिक पांड्या जैसे एक खतरनाक ऑलराउंडर की, जो कि भारतीय टीम को मिल चुका है और ये खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का भी बाप निकल सकता है। दोस्तों इस समय भारत में विजय हजारी ट्रॉफी 2021-22 के मैच खेले जा रहे हैं, जिसमें एक खिलाड़ी जिसका नाम है आपके जाने माने खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर। जी हाँ दोस्तों, वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2021 में केकेआर की टीम को पॉइंट टेबल में 7 नंबर से फाइनल तक का सफर इकलौते दम पे तय करा दिया था, मगर चेन्नई ने फाइनल में हरा दिया केकेआर की टीम को और वेंकटेश अय्यर ने उसी फॉर्म को जारी रखा है विजय हजारे ट्रॉफी में, क्योंकि लास्ट दो मैचों की बात करें तो लास्ट दो मैचों में 183 रन जड़ चुके हैं वेंकटेश अय्यर और 5 विकेट भी चटका चुके हैं, जो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुने जा सकते हैं, जिसमें से एक शतक है आखिरी मैच में, उससे पहले एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, 183 रन ठोक डाले हैं, 5 विकेट भी चटका दिए हैं। वेंकटेश अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी इतने सारे विकेट चटका सकते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और इतने छक्के लगा सकते हैं कि कोई गेंदबाज सोच नहीं सकता। दोस्तों आप चाहते हो कि हार्दिक पांड्या की जगह पे भारतीय टीम में साउथ अफ्रीका दौरे पर वेंकटेश अय्यर का सिलेक्शन हो, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।